शुरू होगी है बाहर, आपको शायद बारिश की आवाज़ आपको सुनाई देगी। और अभी बजे है 12, दोपहर के 12 बजे है यार। मेरा खाना अभी तक बाकी है, आज कुछ नहीं, बस थोड़ा सा काम कर दिया तो इसकी वजह से आज लेट हो गया है। और सुबह वैसे ना बारिश नहीं थी, बट अभी बारिश शुरू हो गई है तो बारिश अपना काम कर रही है। वैसे हम अपना काम कर रहे हैं तो यहाँ पे ना पानी मैंने भर के रख दिया था, क्योंकि पानी इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि पानी जरूरी होता है। तो मैं ऐसे करती हूँ, बॉटल्स वगैरह ना पहले भर के रख देती हूँ। तो अभी खाना बनना बाकी है तो वही मैं बना दूँगी। तो आज मैं ना थोड़ा सिंपल सा ही बना दूँगी, क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ खाने की ये नहीं है, क्योंकि दो तीन दिन से ना ज़्यादा खा लिया है वैसे। तो इसकी वजह से आज मैं सिंपल ही बना दूँगी। वैसे हस्बैंड की बोल के गया है कि आज सिंपल ही खाना बना लो, तो इसके वजह से आज सिंपल खाना पड़ेगा। ये नीचे पीछे आपको थोड़ा सा दिखाई देगा, तो ये मैंने DIY कर दिया है पीछे, वो मैं आप लोगों को बाद में दिखा दूँगी कैसे करना है। वो मैंने ना, मैं अच्छे से हो गई थी तो मैंने ये पीछे दो वाले DIY कर दिए थे, तो वो मैं आपको बाद में दिखा देती हूँ। तो चलो अभी खाना बना दो। और आज मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई ना, ये वाले मुझे आज मैंने इयररिंग्स पहने हैं। कितने दिनों से मैंने नहीं पहने थे ये, एक बार भी नहीं पहने हैं, तो आज मैंने सोचा कि चलो मैं ये वाला इयररिंग पहन रही हूँ। और ये जो इयररिंग्स है ना, उलन के हैं, सिर्फ उलन के पॉम पॉम बनाए गए हैं, और बस मैंने ही बनाए हुए एक्चुअली, तो ये पॉम पॉम से ही बने हुए हैं और ज़्यादा कुछ नहीं है। सोच रही हूँ कि डिनर में क्या बनाऊँ, तो सॉरी लंच में क्या बनाऊँ यार। बहुत दिनों के बाद ब्लॉग बनाते हैं ना, तो ऐसे हो जाता है। तो आलू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सब्जी हमने नहीं अभी तक लाया है, उतना ज़्यादा सब्जी नहीं रही है, थोड़ी सी ही है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं आलू फ्राई करूँ, आलू फ्राई करूँगी, जो मैंने पहले से ही रेसिपी आप लोगों को दिखाई है तो वही करूँगी, बस हो जाएगा, और कुछ नहीं बनाना ज़्यादा। चलो बना देती हूँ मैं। ज़्यादा बारिश हो रही है, वैसे कोकण में तो ज़्यादा बारिश होती है, तो इसकी वजह से हम बस बारिश का एंजॉय कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। और अगर जो मानसून जो सीज़न है ना, जो रेनी सीज़न है ना, ये अगर आपको एंजॉय करना है ना, तो आप एक बार कोकण में आकर देखो, बहुत आप एंजॉय करोगे, क्योंकि सारी जगह पर ना हरा भरा रहता है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ मतलब यहाँ पे तो राइस की खेती की जाती है, तो इतना अच्छा व्यू होता है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो हम गाँव चले गए थे, तो मैं वहाँ का आपको व्यू दिखा दूँगी, बहुत ही बढ़िया व्यू था। मतलब पूरी जगह पर ग्रीनरी होती है ना, तो वो एकदम बहुत ही अच्छा लगता है। और किस किस को ग्रीनरी पसंद आती है मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, मुझे बहुत पसंद आती है इतनी ग्रीनरी ना, कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं फुल मतलब फुल डे में बस नेचर में ही रहूँ, इतना अच्छा लगता है मुझे। और इस बारिश में ना मुझे भीगना ज़्यादा पसंद है, बट अभी मैं भीग नहीं गई हूँ, क्योंकि डर लगता है कि फिर से कोरोना ना हो जाए, तो इसकी वजह से भीगने का मन कर रहा है बट नहीं भीगना है मुझे। और तो मैंने ना कल या परसों लोकल मार्केट से ना रेनकोट लिया है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। थोड़ा सा भीग गया है, वो बाहर मैंने डाल दिया था ना सूखने के लिए, तो वो आधे साइड पे भीग गया, मुझे याद ही नहीं रह गया कि वहाँ पे बारिश हो रही है तो वो भीग जाएगा। तो मैंने इस तरह से कलर लिया है ये वाला,
एंड यहाँ पे ये दो लेयर में है, मतलब दो कपड़े, क्या बोल सकते, कपड़े में है ऐसा बोल सकती हूँ मैं। यहाँ पे अंदर की तरफ से येलो है और बाहर की तरफ से पिंक में है, एंड ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना बेल्ट पे दिया है उन्होंने, देखो इस तरह का बेल्ट है। आजकल तो ऐसी वाली फैशन आ जाती है, तो इसकी वजह से मैंने ये वाला लिया। ये देखो अच्छा लग रहा है ना। वैसे मुझे कलर कॉम्बिनेशन ज़्यादा पसंद आ गया, वहाँ पे बहुत सारे कलर्स में थे, और आपको प्लेन चाहिए तो प्लेन में भी था, और इसके ऊपर अगर आपको डिज़ाइन चाहिए कुछ भी तो डिज़ाइन में भी था वहाँ पे, बट वो थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा डिज़ाइन वाला, थोड़ा सा वो जो कलर था ना वो इतना अच्छा नहीं था उसका, पिंक में ही था बट वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था कलर, तो मुझे ये वाला अच्छा लगा। वैसे मुझे लेना था पिंक कलर में ही लेना था, बट वो अच्छा वाला ऐसे बेल्ट वाला वगैरह मुझे लेना था, एंड सच में मुझे जैसे चाहिए था वैसे ही मिल गया, तो मैं बहुत खुश हो गई। क्योंकि तो होता है ना कि हमें जो चीज़ें अगर ज़्यादा पसंद आती है ना, वो अगर हमें मिल जाती है तो हमें तो खुशी हो ही जाती है, तो मुझे भी वैसे ही खुशी हो गई। तो चलो, मैंने आपको रेनकोट भी दिखा दिया, और अभी आप जो हमारा थोड़ा सा गांव का जो मैंने थोड़ा सा जो शूट कर दिया है वहाँ का, वो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। बहुत ही अच्छा है वहाँ पे, थोड़ी हल्की सी बारिश हो रही थी उस वक्त, तो वही मैंने शूट कर दिया था, तो वो अभी आप लोग देखकर एंजॉय कीजिएगा। आई होप कि आप लोग को वो मेरा गांव का व्यू बहुत पसंद आ जाएगा। तो दो दिन पहले हम गांव गए थे, और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही बारिश हो रही थी, और अभी थोड़ी कम हो गई है, बट इससे पहले बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी, तो इसके वजह से सारे खेत में ना पूरा पानी भर चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना सारा पानी है, और ग्रीनरी भी आपको बहुत सारी देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है ग्रीनरी अगर होती है तो, और बारिश के सीज़न में कोकण में जो विलेज होते हैं ना, उसमें जो कुछ सीनरी होती है ना, वो बहुत ही खूबसूरत सी होती है, और आपको भी मन करेगा कि ऐसी जगह पर हम जाए। तो यहाँ पे देखिएगा सारे खेतों में पानी भर चुका है, और हमारे यहाँ पे राइस होता है उसकी खेती की जाती है, तो यहाँ पे वही खेती का काम चल रहा है। कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग जिनका काम हो गया है वो अपने घर पे बैठकर बस बारिश का मज़ा ले रहे थे, और जिनका काम नहीं हुआ है उनको तो बस ये काम करना ही है। और यहाँ पे देखिएगा फिशिंग के लिए ना ये इस तरह से रखा जाता है, तो खेत में वगैरह ना ऐसी वाली जो फिशिंग होती है ना वो की जाती है, और इसके अंदर जो फिश होते हैं ना वो अटक जाते हैं, तो इस तरह से फिशिंग भी कुछ लोग कर रहे थे। और ये देखिएगा कितनी खूबसूरत सी सीनरी है वहाँ पे, आप देख सकते हो। तो बस आप ये सीनरी देख लीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आपको ऐसे विलेज की वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे बता सकते हो। बार क्या मैंने यहाँ पे ना आलू को फ्राई करके ले रही हूँ,
मतलब फ्राई करने के लिए डाल दिया है ये देखो, और यहाँ पे इतने हैं तो इनको मैं बाद में कर दूँगी। और यहाँ पे देखो मेरा मनी प्लांट, ये ना अच्छे से ग्रो हो रहा है। ये देखो नई पत्तियाँ भी यहाँ से ना निकल रही है, यहाँ पे देखो यहाँ से वो निकल रही है। और ये ना अभी ये देखो ये पत्ता जो है ना वो पीला पड़ गया है, तो अभी इसको कट कर दूंगी मैं यहाँ से इसको, क्योंकि जो भी किसी भी पौधे के ना पत्ते अगर पीले पड़ जाते हैं ना तो आपको इसको कटिंग करना होता है। ये देखो और इसका कलर देखो कितना अच्छे से है, ये देखो दो कलर में है और बहुत ही खूबसूरत सा लगता है। चलो मैं इसको कट कर देती हूँ। ये देखो ये इस तरह से हो गया तो पीला पत्ता। अभी खाना बन रहा है और मैं अभी इस DIY के आपको बारे में बता देती हूँ। तो ये मैंने जब मैं क्या थी थोड़ी सी ठीक हो गई थी ना, तब मैंने ये वाला DIY बनाया था। तो ये ना मेरे पास इस तरह का बटवा था ये वाला, और यहाँ पे देखो ये फ्लावर्स आपने मेरे व्लॉग में कई बार देखे होंगे, जो मैं लिविंग रूम में जो विंडो है ना वहाँ पे मैं फ्लावर्स रख देती थी वो ये वाले। तो ये थोड़े से फ्लावर्स मैंने उसमें से निकाल दिए हैं और इसमें मैंने यहाँ पे डाल दिए, और यहाँ पे ऊपर मैंने जो टू साइडेड सेलो टेप होती है ना, टेप होती है, वही मैंने बस लगा दिया है। और देखने में देखो कितना अच्छे से लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अगर आपके घर में कोई ऐसे बटवा है ना, ऐसे वाला बटवा है जो कि जूट का जो बटवा होता है ना, वैसे वाला अगर आपके पास बटवा हो ना, तो आप इस तरह का DIY कर सकते हो। बहुत ही इजीली है, कुछ भी आप करना नहीं है, बस इसमें फूल डालना है और बस कहीं पे भी आपको हैंग करना है। और जो दूसरा DIY है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूंगी कि वो किस तरह से मैंने कर दिया है। तो अगर आपको DIY पसंद है तो आप मेरे व्लॉग डेली देख सकते हो, आपको उसमें DIY देखने को, कई सारे DIY आपको देखने को मिल जाएंगे। तो गाइज आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हाँ अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यार, ये तो बनता है ना। और बस मैं इसी तरह से कोशिश करती रहूँगी कि आप लोगों को अच्छे अच्छे व्लॉग देखने को मिल जाए। तो बस आज के व्लॉग में गाइस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, और जितना भी आप मुझे अच्छे से सपोर्ट करना चाहते हैं उतना ही मुझे आप सपोर्ट करते रहिएगा। अभी तक आपने मुझे बहुत सारा सपोर्ट किया है, बट आगे से भी मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।